Hello friends, my name is Chirag Gujral and welcome to the first episode of TikTok Talks. तो यार अब से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है TikTok Talks. इन वीडियोस में ऐसा होगा यार कि आपको यार जो TikTok में चल रहा है उसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, स्टोरीज बताऊंगा, न्यूज बताऊंगा. तो गाइस यार मैं टाइप की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ऐसा होता है यार अगर मैं रिएक्शन वीडियोस बनाता हूँ ना तो उन वीडियोस की एडिटिंग करने में मुझे 2 दिन लग जाती हैं. ठीक है, मतलब 2 दिन बाद मेरी वीडियो आती है यूट्यूब चैनल पे, उससे पहले कोई वीडियो नहीं आती. और अगर मैं ट्रांजिशन के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो यार उसमें भी 1 दिन लग जाता है. ठीक है, ऐसे 1 दिन का गैप पड़ जाता है. उस गैप को कवर करने के लिए यार अब से मैं टिकटॉक टॉक की वीडियो डाला करूंगा. तो अगर आप नए हो यार तो प्लीज यार याद से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी और आप यार सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकते हो. तो अब हम बात करते हैं यार फर्स्ट स्टोरी की, रोहित कुमार गुटका भाई की. तो यार रोहित कुमार अभी गुटका भाई नए सॉन्ग में दिखे हैं. टोनी कक्कड़ का कुछ कुछ सॉन्ग आया था और ये देसी म्यूजिक फैक्ट्री की तरफ से आया ये सॉन्ग. और इस सॉन्ग में यार स्टार्टिंग में ही यार रोहित कुमार गुटका भाई की एंट्री है, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा इनको देखकर इस सॉन्ग में. और उसके साथ ही यार इस सॉन्ग में आपको नगमा भी दिखेगी और आशिका भाटिया भी दिखेगी और AVR Pranks एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है वो भी आपको इस सॉन्ग में दिखेंगे. अगर आपको इस सॉन्ग के ऊपर वीडियो देखनी है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो अब हम बात करते हैं सेकंड स्टोरी की, मंजूल वर्सेस टीम 07. तो यार मंजूल के टिकटॉक में 8.1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, फैंस हो गए हैं. और उधर से यार मिस्टर फेजू जो कि टीम 07 की हैं उनके यार टिकटॉक में 7.5 मिलियन हो गए हैं, काफ़ी नियर वो आ गए हैं. बस यार 6 लाख फॉलोअर्स का ही गैप रह गया है. तो देखते हैं यार कौन इंडिया में सबसे पहले 10 मिलियन हिट करेगा टिकटॉक में, क्या मंजूल पहले हिट करेगा या टीम 07? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना. तो अब हम बात करते हैं थर्ड स्टोरी की, मंजूल इंटरव्यू. तो अभी कुछ दिन पहले मंजूल का इंटरव्यू हुआ था और उसमें यार उसने थोड़ी बहुत टिप्स दी थी टिकटॉक में ग्रो कैसे हो सकती हैं इन सब के ऊपर. बैकग्राउंड जो होता है एक वीडियो का वो बहुत मैटर करता है. अगर आपकी वीडियो अच्छी है लेकिन बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो उससे वीडियो बहुत अफेक्ट करेगी आपकी. बाकी अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है एंड वीडियो फिर भी ठीक ठाक है तो फिर भी वो चल जाएगी. ये टिकटॉक का एक एल्गोरिथम है. एंड या अगर आपका फ्रेंड भी म्यूजिक है वो टिकटॉक बनाता है एंड आप भी बनाते हो टिकटॉक, सो दोनों कोलैबोरेशन करके बनाइए. दोनों अगर एक साथ मिलकर वीडियो बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा रीच जाएगी आपकी. तो अब हम कुछ बातें कर लेते हैं टिकटॉक की, टिकटॉक में क्या क्या चल रहा है. टिकटॉक में यार एमिवे का जो मचाएंगे सॉन्ग था वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया. और बहुत सारे लोग यार उसके ऊपर वीडियो बनाई जा रहे हैं. वाईफाई, लेकिन मैं फोकड़ के वाईफाई पे बैठा. अगर आप टिकटॉक में वीडियो बनाने का सोच रहे हो तो यार अभी साउंड के ऊपर वीडियो बना लो, आपका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है. तो दूसरा चैलेंज यार जो कि टिकटॉक में वायरल हो गया है जिसका नाम है ड्रीमम वेक अपम. तो काफ़ी फेमस हो गया और इस चैलेंज पे एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले आई है, उस वीडियो में यार 1 मिलियन लाइक्स आ गए हैं. तो दोस्तों यार आज के लिए इतनी ही स्टोरीज थी और न्यूज़ थी. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करना. और इस वीडियो में हम एम रखते हैं 1000 लाइक्स का. अगर 1000 लाइक्स हिट हो जाते हैं तो मैं इसका सेकेंड एपिसोड बनाऊँगा टिकटॉक टॉक्स का. कमेंट्स में बताना यार नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक की आपको चाहिए. और मेरे यूट्यूब चैनल को यार से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी और आप यार सबसे पहले मेरी वीडियोस देख सकती हो. और प्लीज यार मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना. टिकटॉक और इंस्टाग्राम के लिंक भी यार डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकती हो. चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती है. टाटा.